मेरा सबसे बड़ा डर गुब्बारे फुलाना। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, दो दिन हो गए हैं, थोड़ा वायरल हो रखा है मेरे चेहरे से, आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा अंदर से लेजी लेजी सा फील हो रहा है। आज ना मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब है। पता है मेरे साथ क्या है, किसी का बर्थडे कोई या फिर कुछ एनिवर्सरी कुछ भी होता है ना, तो मैं उसको ना बड़े धूमधाम से बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ कि हाँ उसको लगना चाहिए कि हाँ उसका स्पेशल दिन है। बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आपसे हो सकता है आप उतना करो, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी यही करती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, और आज मेरे भाभी का बर्थडे है। मैंने बहुत कुछ सोचा था कि ऐसा करना है ऐसा करना, तो मैंने सोचा चलो जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो करूँगी ज़रूर। और मेरे पसीने भी छूट गए, मैंने बस अभी मेडिसिन वगैरह ली है, और मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हो मैंने कुछ बैलेंस वगैरह इस साइड में अपने लगा दिया है, ग्लिटर शीट्स है, और वहाँ हैप्पी बर्थडे का मैं लगा रही हूँ, क्योंकि सब दीवार पे करते, पर वो वाली मेरी दीवार में फुल है, मैं वहाँ नहीं लगा सकती क्योंकि वहाँ पे है फ़ोटो तो वो कट जाएगा, इसलिए मैं उसको उस साइड पर लगाऊँगी हैप्पी बर्थडे का टैग। और कुछ चीज़ें मेरी यहाँ पर हैं, कुछ उस बैग में हैं। आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, मुझे ना गुब्बारों से इतना ज़्यादा डर है, इतना ज़्यादा डर है, मतलब मैं ऐसे नहीं फुलाती बिल्कुल भी, टच नहीं करती, फट जाता है ना तो मुझे ऐसा हो जाता है सच्ची में। पर अकेले करना है तो मैंने आज सिर्फ स्पेशली ये सारे गुब्बारे सब मैंने फुलाए हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी गुब्बारे नहीं फुलाए, मतलब मुझे बैलून से इतना डर लगता है, बट आज मैंने ये सारा अपने भाभी के लिए खुद किया है। देखते उन्हें कैसा लगता है। बाकी अभी काफ़ी डेकोरेशन रह गई है, और वीडियो के एंड तक बने रहना, और कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छी अच्छी विशेज भरना मेरी भाभी के लिए, क्योंकि उनका है बर्थडे। चलो आई विल शो यू, कुछ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे माइंड में ये है, ये कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये दी और भाभी की फ़ोटो है, ये हमारी फैमिली पिक्चर है, हम कहीं बाहर घूमने गए थे, और मे बी शादी के बाद हम क्रिसमस डे पे मॉल गए थे, और ये पापा का बर्थडे था उस दिन की पिक्चर है ये वाली, और ये हम देहरादून घूमने गए थे, तो भाई भाभी की फ़ोटो, मतलब जितनी भी अभी तक की मेमोरी है ना बेस्ट भाभी के साथ हम सब की, तो उसको मैंने ये कर लिया है कैप्चर, और इसी के साथ मैं इस रूम को करूँगी डेकोरेट, जो कुछ अलग होगा जिससे कि उन्हें कुछ स्पेशल फील हो। मेरा मेन पर्पस यही होता है कि जो करो सामने वाले के लिए ऐसा करो कि उसको कुछ स्पेशल फील हो, तो फिलहाल मैं अभी यही कर सकती थी। तो जो जो बहुत अच्छी मेमोरी है हर एक फ़ोटो के साथ, वो मैंने सारी फ़ोटोज़ निकलवा ली हैं, तो अब इसको लगाते हैं रूम में। अभी ना हवा से काफ़ी बैलून्स नीचे गिर गए एसी की वजह से, और कुछ ही बैलून्स अभी लगाए हैं, और जो मेरी पिक्चर्स थी जैसे ये फैमिली फ़ोटो, तो ये सब तो लग गया है क्योंकि भाभी इधर बीच में बैठेंगी। बैलून्स लगाना अभी इस एरिया में बाकी है, और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आगे क्या होगा। और गाइस बिलीव मी, आज कैमरा पकड़ने में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मेरा स्टैंड भी नीचे है। भाभी को थोड़ा तो आइडिया हो गया है कि मैं कुछ कर रही हूँ यहाँ पर क्या कर रही हूँ वो नहीं पता, और मैं अपनी रिंग लाइट भी उठा के नहीं ला सकती थी, तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे कैमरा एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो जो बाकी डेकोरेशन रह गई है उसको लाइट आ रही हूँ पे, हाँ जो बाकी डेकोरेशन रह गई है हम उसे रेडी कर दें।
स्पेशल बैलून मैं भाई के लिए लेकर आई हूँ, जो सिर्फ मुझे एक ही मिला। A few moments later. ये गाइस मेरा रूम हो गया है डेकोरेट, और इस तरीके से मैंने कुछ बैलून्स लगाए हैं, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो बहुत ही प्यारी मेमोरी है पिक्चर्स वगैरह हम सब की ये, और ये वाली फैमिली पिक्चर पापा के बर्थडे की है, और अंकल आंटी की एनिवर्सरी भी थी इस दिन। और जिस जिसने ये वाला ब्लॉग नहीं देखा ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं, आप ज़रूर देखना। उसके बाद ये शादी के बाद हम लोग गए थे कालका मंदिर माथा टेकने के लिए, ये तब की पिक्चर है। और ये सारी पिक्चर्स, ये भाभी के साथ मेरी पिक्चर ब्लर हो रही है। तो ये है मेरा छोटा सा सरप्राइज़ हम सब की तरफ से भाभी के लिए, जो भी उनकी बेस्ट मेमोरी थी, बेस्ट एकदम, जिसमें हम सारे साथ में हैं, वो सारी मेमोरी मैंने यहाँ पे लगाई है। और सिंपल ही रखा है, ज़्यादा कुछ मैंने भरा नहीं है। शाम को केक आएगा तो वो यहाँ पे रख के केक कटिंग वगैरह होगा। बाकी मेरी आवाज़ मुझे थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं जैसी थी मैंने वैसी ही बनाना शूट करना शुरू कर दिया, और बस हम उसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, मैं जाती हूँ। आई होप भाभी को ये सब अच्छा लगे, बहुत नहीं तो अच्छा तो लगेगा, बहुत मेहनत हुई है। बाकी मिलते हैं शाम को, जब सब आ जाते हैं तब मिलते हैं। 5 hours later शाम हो गई है और 9 बज गए हैं शाम का टाइम, और दीदी आ गई है, केक हमारा रेडी है, चॉकलेट्स जो भी गिफ्ट्स हैं साइड में मैं दिखा देती हूँ, जितना भी है सब कुछ यहाँ सेटअप हमारा हो गया है। और दी कोई डेकोरेशन कैसी लगी पूछते, दी कैसा लगा? सुपर, अच्छी है डेकोरेशन, माइंड ब्लोइंग, माइंड जितना हो पाया उतना कर दिया। आप यहाँ हो और आपकी पिक्चर यहाँ से दिख रही है फोटो में। ये केक हमारा लेकर आ गया, देखो बटरफ्लाईज भी लगवाया, अभी ऐसे ही रख देते हैं। हमारी भाभी है ना, वो तितली की तरह उड़ती रहती है हमारी। हाँ ये बात है, इसलिए तितली लगवा रही है। हाँ हमारी भाभी ना ऐसे ऐसे चहकती रहती है, उड़ती रहती है। तो बटरफ्लाई वाला केक, सुबह से मुझे अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, हालांकि मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, और बस अब नीचे चलती हूँ, भाई नानी सब हैं, बस पापा का आने का वेट है। तुम कहाँ बिजी थी, तुम किससे बात कर रहे थे पहले मुझे ये बताओ। तुम्हें तो पता मेरी कल से तबीयत ठीक नहीं है, बादाम कर रहा है बात करनी था। अच्छा मामी से तबीयत सही नहीं है, वायरल हो गया था मेरे को। नानी तुम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी रात को रुकने के लिए। रुकोगे ना भाई? अरे ऐसे मम्मी 9 बज गए, ऐसी रात में ना बाहर नहीं भेजते, नानी आज यही रुकेगी। नहीं पर रुकना मम्मी, यहीं पर रुकना ठीक है, आज नानी मेरी यहीं पे रुकेगी। ना 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 यहीं पे रुकना, चलो और डोसा पार्टी हो रही है उसके बाद मिलते हैं। A few moments later आओ, अरे अंदर तो। हाँ अब देखो, हटो, 1 2 3 Oh my God, ओवर एक्टिंग के 10 रुपए काटो। Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you. किसने किया था ये डेकोरेशन? भूत भूत भूत। चलो आओ, चलो जाओ उधर से, जाओ आ जाओ उधर से। हाँ उधर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से केक पे जाए तुम्हारा हाथ आ जाए, वहाँ से चले जाओ, जाओ तुम भी जाओ। चलो बड़ा ये दे दो फोटो, साड़ी ये सारे वो
शादी के टाइम से वो फोटोज हैं जो हम कहीं गए थे या फिर कुछ स्पेशल दिन। क्रिसमस डे पे हम खुद नहीं कर रहे, ये वाली हम कर करके दे रहे हैं। देहरादून वाली देखो, बीच वाली फैमिली फोटो, ऐसे क्रिसमस पे गए थे हम, ये हमारी फर्स्ट टाइम। हाँ चलो ठीक है, चलो अरे भैया तो चालू करो, बनाओ फोड़ना नहीं है क्या, फोड़ दो। चलो देखो यार, देखो देखो ऊपर देखो ना, ये है केक। चल अब केक कटिंग करते हैं, पहले दे रहा मम्मा रिपोर्ट, बैठ जा वो दे दो, चल बैठ जा माचिस तो देखो मान पेन में लगा दियो। चलो अभी रुक जा, एसी चला, बंद हुआ नहीं है पहले, दो ना दिन तुमने क्यों लिया, अबे उड़ के आए। कुछ मांगनी है आंखों देखे, किससे मांग रहा हूँ अब दोबारा मांग लो, आप बंद करिए क्या, हाँ मांग लो, सैंडल ब्लो करने से पहले लिप सिंग करनी, मैं लिप सिंग ही पढ़ी थी इधर ही। चलो ठीक है, चलो काटो ब्लो, माफ़ को तुम मारो, हाथ से कटेगा यार, कैसी बातें उतार देती हो। अगली बार कोई नहीं बोलेगा वरना मैं ऐसे करूंगी सबके साथ। मम्मी पल लगे, अब तो वीडियो रिकॉर्ड हो गई। पा हां बोलो बोलो पा, मां मैं इनके पास खिला दीजिए, बिट लेट कर रहे हैं, बदले खाली खिला, अरे अरे पूरा मुंह मत डाल, अभी आ रही हूं, बैठ बैठ जा, अभी मैं खाना खा रही हूं, खाओ बैठ बैठ हाय टैक्सी। अगर दूर से दिया तो दूर से बन गया, ये बन गया, पास में आओ तो दे दूंगा ही, वाओ कितना सुंदर है, लियो लियो बहुरानी, चलो भैया वो तो पहना ना अपने हाथ से जो लेकर आयो, ठीक है एडवर्टाइजमेंट कर रही हो, मैं नहीं खिलाई थी अपने में से, अब मैं भी खाऊंगी, हाँ ये रहा भाई का केक, रख लो तुम भी, क्या रखो दिखाओ भाई पहले अपना गिफ्ट क्या लाए हो, आगे करके दिखाओ ना, हाँ ब्रेसलेट पापा को नहीं दिख रहा ना, हाँ सामने दिख रही, बाद में आता है, खुशी तो दिख नहीं रही, अब पहनाओ तभी तो बताऊंगी, उस वाले हाथ में कौन सा हाथ में, नहीं बोला उसमें अभी क्या, ताली बजाओ, मनोरंजन देख रही हैं, ताली नहीं बजाएंगे अरे ऐसे करो, और ये मेरी तरफ से ये मैं लाई हूँ, मेरा है, थैंक यू, कैसा लगा सब, देगा देखिए तो सीधी में देती किसकी, बोलो दीदी की फ्रेंड की,
मतलब शादी के बाद पहली बार शादी में गई थी तब की फोटो भी दिखा चुके कालका जी गए थे हम फर्स्ट टाइम शादी के बाद माथा टेकने गए थे मंदिर और ये वाली हम मस्ती कर रहे थे दीदी और पापा वीडियो बनाते तब ये हमारी फर्स्ट फैमिली फोटो ये कहाँ गए थे मॉल वेनिस मॉल गए थे नोएडा वो पास में है ये वाली मेरी नवरात्रों की फोटो दिख नहीं रही और ये वाली क्रिसमस की फोटो और ये वाली हम फर्स्ट टाइम घूमने गए थे फैमिली के साथ देहरादून ऊपर गए थे पहाड़ियों पे ये पापा का बर्थडे था पापा का बर्थडे और अंकल आंटी की एनिवर्सरी दोनों एक साथ सेलिब्रेट हुई थी हाँ ये सारी फोटो कैसा लग रहा है गाइस आप लोग भी कमेंट करना ये डेकोरेशन कुछ अलग किया था इस बार सारी फोटोज वगैरह का अब इसे ही देख के ऊपर सो जाना ठीक है नींद नहीं आएगी तो ऊपर देखना फोटो छिलेंगी चलो बोलो जीजू की याद आ रही है नहीं अरे यार उनको तो वीडियो कॉल भी नहीं किया अरे जीजू नहीं है हमारे साथ तो हम उन्हें करेंगे वीडियो कॉल केक कटिंग के टाइम पे करना था बट दिमाग से निकल गया अब कर लेंगे क्या दिक्कत है भाभी को तो दिखाना है यहाँ पे लग रहा है वीडियो कॉल दिखाओ कर ले हो अभी हम ही दिखेंगे तुम कर ले वीडियो कॉल करना हो तो कर रहे हमारी चुप्पा फालूदा हो गया जीजू ने कॉल उठाते ही काट दिया मिस कर दिया मेरा बर्थडे फोटो कहाँ है वो कहाँ है वीडियो कॉल आवाज नहीं आ रही क्या विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बोल थैंक यू जीजू आप होते तो और भी अच्छा आता होता और मजा आता ये लो केक केक खा लो मिल गया आगे खाएंगे हाँ वीडियो कॉल पे केक मिल गया हम बचा लेंगे आपके लिए ठीक फोन आप किसे कर रहे हो ठीक है हाँ आप आशीर्वाद ले जा रही चलो तुम खाना खा लो ठीक है One hour later. चलो अब हम खोलेंगे गिफ्ट्स। मेरा कोल्ड बढ़ते ही जा रहा है मेरी उम्र के साथ बढ़ते ही जा रहा है ये है शालू का गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट दी का गिफ्ट गाउन इसका ब्लाउज नहीं चोली ऊपर से पहनने के लिए मुझे गिफ्ट खोलना बहुत पसंद है सुंदर है आई लाइक इट ये है दीदी ने दिया भाभी को गाउन रख के दिखाओ ऐसे ये आने वाले जो कुछ टाइम पे फंक्शंस होंगे घर में मैं आप लोगों को बता देती हूँ तो ये उसमें काम आएगा बहुत ज्यादा पहनने के लिए और ये उसके ऊपर से डालने के लिए है चोली सुंदर लग रहा है देखो कलर कितना प्यारा आ रहा है ना बहुत प्यारा है बहुत सुंदर है बोलो थैंक यू दीदी थैंक यू दीदी ये दिया ये मेरे भी काम आएगा पहनने के और ये कौन लेके गया मम्मी ये मम्मी लाएंगे मम्मी माता श्री लेकर आई है गाइस मेरे ना आवाज को इग्नोर करना मेरा गला बैठ गया है मम्मा कपड़े कर देना ये किसने दिया ये नानी जी ने दिया हाँ ये नानी जी ने दिया है यार है कपड़ा कितना ठंडा है इसका देखो सिल्कू सा सॉफ्ट है इसका कपड़ा बहुत ज्यादा सुंदर है कलर कॉम्बिनेशन भी इसका अच्छा है पिंक मिल गया और ये फालसा कलर वाइन कलर और क्या मिला इतनी सारी चॉकलेट्स मिली है इन्हें मुझे तो नहीं मिली थी इतनी सारी और मुझे ब्रेसलेट भी मिला हाँ ये डेकोरेशन कुछ दो वाणी कहना चाहेंगे आप पता है भाभी ने मेरे को क्या ही बताऊं मतलब मेरा दिल ऐसा हो गया भाभी ने छुप के यहाँ से गेट से जब हम डेकोरेशन इन्होंने थोड़ा सा डेकोरेशन देख लिया और थोड़ा सा देखा तो उसकी वजह से इन्हें पूरा आइडिया पड़ गया कि क्या होने वाला है
वो तो इनके रिएक्शन से मुझे आइडिया पड़ गया कि भाभी का रिएक्शन थोड़ा सा ना ऐसा है. मैंने बोला भाभी देखा है ना तेरी हाथ थोड़ा सा दिख गया. नहीं दिखाता मुझे कुछ भी. कैसा लगा? बहुत अच्छा था. अच्छा था. Great, nice. पहली शादी है? शादी के बाद फर्स्ट टाइम शादी हुई थी. अच्छा लगा ना बेसिकली? अच्छा ही लगना चाहिए. बहुत अच्छा. चलो हैप्पी बर्थडे. थैंक यू.